नमस्कार, मैं शशि कुमार केसवानी मुंबई के विले पार्ले इलाके में हूँ, नरसी मुंजी कॉलेज के ठीक सामने। मेरे सामने बिल्कुल जो है एक आनंद वड़ा पाव है, तो इसको आनंद वड़ा पाव को मैं कहूँ, कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं कि बॉम्बे टाइम्स ने इनको बेस्ट वड़ा पाव बॉम्बे का अवार्ड भी दिया हुआ है, तो उनके ऑनर से मैं बात करूँगा। आपका नाम बताइए सबसे पहले। पांडी। मिस्टर बांडी, आप ये कितने टाइम से बना रहे हैं, ये थोड़ी जानकारी दे दें। मुझे 1983 से सर। ये 1983 से बना रहे हैं वड़ा पाव। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं, उसके साथ में बम्बई में समोसा भी बनाते हैं। इसके अलावा क्या क्या बनाते हैं वो सब बता दें आप। डोसा सैंडविच और फ्रेंगी। डोसा सैंडविच भी बनाते हैं, लेकिन बम्बई का वड़ा पाव का एक टेस्ट क्योंकि अलग रहता है। देश में कहीं भी वड़ा पाव बनता है तो उसका टेस्ट वैसा नहीं आता। आमतौर पर पानी का ही असर रहता है वड़े में भी और पाव में भी, दोनों चीज़ों में। तो ये वड़ा पाव क्या बच्चे ज़्यादा खाते हैं, बड़े लोग भी खाने आते हैं? मिल गए जुना कस्टमर, अगर कॉलेज के स्टूडेंट ज़्यादा है। इनके पास स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं तो हम स्टूडेंट जो खाते हैं हम भी खा के देखते हैं। एक वड़ा पाव सादा वाला बना के खिलाइए आप हमें। ये वड़ा पाव हालांकि कई तरह का बनाते हैं, अलग अलग किस्म के वड़ा पाव बनाते हैं, पर इनका कहते हैं कि जो सादा वड़ा पाव है वो ज़्यादा अच्छा होता है। प्लेन वड़ा पाव चाहिए एकदम सब। प्लेन वड़ा पाव जो है उसका बनाने का मेथड भी बहुत आसान है। आप देखेंगे उस पर बटर लगता है, चटनी लगती है, थोड़ा सा मसाला कुछ डालते हैं। ये मसाला कौन सा डालते हैं आप इस पे? खाटी मसाला। ये थर्टी मसाला डाल घाटी मसाला, घाटी मसाला डालते हैं। साथ में वड़ा तला हुआ पहले से तैयार रहता है और ये एकदम से तुरंत तैयार भी हो जाता है, बाकी उसमें थोड़ा सा समय लगता है बनने में। और ये इसका टेस्ट कैसा है ये भी खा के पता चलेगा मुझे। बम्बई अगर आप आए, आपने सब कुछ खा लिया और वड़ा पाव नहीं खाया आपने, तो बम्बई घूमने का मज़ा ख़राब है। अब मैं वड़े पाव का मज़ा लेता हूँ। मैं शशि कुमार केसवानी, इंडियन ऑब्जर्वर के लिए।